हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द स्टोरी बेपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी दिस इज फ्रॉम क्लास एट्थ इसमें मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों को डिस्कस किया है आई एम वेरी होपफुल दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी थिंग इफ यू लाइक द स्टोरी डोंट फॉर गेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड टू शेयर एंड लाइक द वीडियो क्वेश्चन नंबर वन वट वुड बिपिन चौधरी डू एवरी मंडे एवरी मंडे बिपिन चौधरी वुड गो टू काली चरण शॉप टू बायुक्स वो कालीचरण की शॉप पे जाया करते थे बुक्स खरीदने के लिए हाउ डिड बिपिन ट्राई टू डिसाइड वेदर ही वॉज राइट ऑन परिमल घोष बेपिन ने ये डिसाइड करने के लिए क्या किया यानी कि कैसे डिसाइड किया कि परिमल के बारे में उनके जो विचार हैं जो वो सोच रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है बेपिन ट्राई टू डिसाइड वेदर ही वॉज राइट बाय कन्फर्मिंग इट फ्रॉम दिनेश मुखर्जी पहला उन्होंने क्या क्या काम किया दिनेश मुखर्जी से कन्फर्म किया द पर्सन अबाउट होम परिमल घोष वॉज टिंग अबाउट जिसके बारे में परिमल घोष बात कर रहे थे वो व्यक्ति था एंड लेटर बाद में बाय रांची हिमसेल्फ खुद रांची में गए हाउ डूड चुन्नी यूज हिज इमेजिनेशन चुन्नी ने अपनी इमेजिनेशन अपनी कल्पना शक्ति को कैसे यूज किया चुन्नी हेड ए वेरी गुड पावर ऑफ इमेजिनेशन चुन्नी की जो कल्पना शक्ति थी बहुत अच्छी थी सो ही क्रिएटेड द स्टोरी ऑफिन बिपिन बाबूज विजिट टू रांची इसलिए उसने बिपिन बाबू की रांची की विजिट की कहानी की रचना कर दी विच हेल्प इन द रिट्रीब्यूशन ऑफ बिपिन बाबूज बिहेवियर जिससे कि बिपिन बाबू के बिहेवियर के बारे में बदला लेने में उसे हेल्प मिली रेट्रीब्यूशन का मतलब है बदला लेने के लिए जो हम किसी को पनिशमेंट देते हैं उसे कहते हैं रेट्रीब्यूशन अब उसकी वजह से उसने जो मनगढ़ंत कहानी गढ़ी उनके मेमोरी लॉस के बारे में उससे उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ विपिन चौधरी को तो ये एक तरीके का पनिशमेंट था लिए क्योंकि विपिन चौधरी ने चुन्नी की हेल्प नहीं करी थी वट ऑल थिंग डिड परिमल घोष टेल बिपिन बाबू टू रिमाइंड हिम ऑफ़ हिज विजिट टू रांची परिमल घोष ने क्या क्या बातें बताई बिपिन बाबू को उसे रांची की विजिट याद दिलाने के लिए परिमल घोष टोल्ड बिपिन परिमल घोष ने बिपिन से बताया दैट ही हैड बिन टू रांची इन 1958 कि वो 1958 में रांची गए थे ही फेल इन हु वो हुड्रो में गिरे थे एंड कट हिज राइट नी और उनका राइट नी कट गया था नेक्स्ट डे ही हैड टू गो टू नेटर अगले दिन उन्हें नेटर में जाना था बट ड्यू टू पेन लेकिन पेन की वजह से ही कुडंट वो नहीं जा सके एंड ही स्टेड एट दिनेश मुखर्जीज़ बंगलो वो दिनेश मुखर्जी के बंगले पर ही ठहर गए थे वॉट वॉज बिपिन बाबूज हॉबी बिपिन बाबू की हॉबी क्या थी वॉट वुड ही डू एवरी मंडे एवरी मंडे वो क्या क्या करते थे बिपिन बाबूज हॉबी वॉज रीडिंग बुक्स हॉबी थी किताबें पढ़ना एवरी मंडे ही वुड वुड का मतलब जो हम रिपीटेडली जो काम करते हैं उसको वुड लगा के बताते हैं ही वुड परचेज बुक्स वो किताबें खरीदते ऑफ़ क्राइम स्टोरीज जिसमें क्राइम स्टोरीज होती घोष्ट स्टोरीज होती और थ्रिलर होते फ्राम कालीचरण शॉप और वो भी वो काली चरण की शॉप से ही खरीदते थे वॉट टाइप ऑफ मैन वॉज बिपिन बाबू बिपिन बाबू किस तरीके का आदमी था बिपिन बाबू वॉज ए लॉनर वो अकेले थे ही वॉज़ नॉट ए गुड मिक्सर वो लोगों से ज़्यादा मिक्सअप नहीं होते थे ही हैड अ फ्यू फ्रेंड्स उनके दोस्त भी बहुत कम थे Like फालतू की बातें करके समय बिताना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे हाउ कैन यू से आप ये कैसा, कैसे कह सकते हैं देट बिपिन बाबूटर विद परिमल घोष मेड हिम रेस्टलेस एनकाउंटर का मतलब यहां मुठभेड़ नहीं है आमना सामना होना ये बिपिन बाबू का परिमल घोष से जो आमना सामना हुआ इससे वो बेचैन हो गए रेस्टलेस का मतलब बेचैन बिपिन बाबूज इज एनकाउंटर विद परिमल घोष मेड इम रियली वेरी रेस्टलेस बिपिन बाबू की परिमल घोष से तो मुलाकात हुई आमना सामना हुआ इससे वो वाकई बड़े बेचैन हो गए इवन इन द ऑफिस ऑफिस में भी ये नोटिस उन्होंने नोटिस किया दैट विद एवरी पासिंग आर के हर घंटा बीतने के साथ साथ हिज एनकाउंटर विद परिमल घोष वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ इज माइंड के जो परिमल घोष से उनका सामना हुआ था वो उनके दिमाग पर और ज्यादा हावी हो रहा है क्यों क्योंकि परिमल बाबू ने ही उसे बताया था वो रांची गए हैं और उन्हें याद नहीं आ रहा था व्हाई कुडंट बिपिन बाबू इग्नोर व्हाट परिमल घोष हैड सेट टू हिम बिपिन बाबू उस बात को अनदेखा क्यों नहीं कर सके जो परिमल घोष ने उन्हें बताई थी इट वाज बिकॉज़ परिमल घोष न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम ऐसा इसलिए क्योंकि परिमल घोष उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानते थे एक ग्रेट डील का मतलब है बहुत ज़्यादा ही न्यू अबाउट ही वाइफ डेथ उन्हें उनकी वाइफ की डेथ के बारे में ही पता था हिज ब्रदर्स इंसेनेटी भाई के पागलपन के बारे में ही पता था इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट हिम अगर उस आदमी को यानी कि परिमल घोष को उनके बारे में इतना ज़्यादा पता है हाउ कुड ही मेक सच ए मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप तो वो रांची ट्रिप के बारे में मिस्टेक कैसे कर सकता है वट वॉज रॉन्ग विद बिपिन बाबू बिपिन बाबू के साथ गड़बड़ क्या हुई वॉट डिड डॉक्टर चंदा सजेस्ट हिम डॉक्टर चंदा ने क्या सजेशन दिया उन्हें He had completely forgotten about his visit to रांची। वो रांची की ट्रिप के बारे में बिल्कुल भूल गए थे डॉक्टर चंदा सजेस्टेड हिम टू गो टू रांची वंस अगेन डॉक्टर चंदा ने सजेशन दिया कि वो एक बार फिर रांची जाएं इन ऑर्डर टू गेट बैक हिज लोस्ट मेमोरी जो मेमोरी उनकी खो गई है वो उन्हें शायद वहां पर जाकर वापस मिल जाएगी वॉट वॉज बिपिन चौधरी एलमेंट एलमेंट का मतलब बीमारी बिपिन चौधरी की बीमारी या समस्या थी क्या वॉज इट रियल और डेलीब्रेड वो रियल थी या जानबूझ के क्रिएट की गई थी बिपिन बाबू वॉज ए लोनली मैन बिपिन बाबू एक अकेले व्यक्ति थे हिज़ वाइफ एट डाइड सम टेन ईयर्स एगो उनकी वाइफ की कुछ दशक साल पहले डेथ हो गई थी हिज़ एल मैंट वॉज द लैप ऑफ मेमोरी उनकी बीमारी थी याददाश्त कुछ याददाश्त का गायब हो जाना ही क्लियरली फॉर गॉड वो बिल्कुल भूल गए डैट हीड बीन टू रांची एट में रांची गए हिट अगेंस्ट समी आखिर में वो रांची गए एंड बीकेम और एक रॉक से टकराए एंड बीकेम अनकॉन्शियस और बेहोश हो गए ऑन रिटर्निंग होम घर लौटने पर ही रिसीव्ड चुन्नी लाल लेटर उन्हें चुन्नी लाल का लेटर मिला द लेटर हैड एन इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट इस लेटर का एक पूरे शरीर में करंट दौड़ाने वाला प्रभाव हुआ एंड बिपिन बाबू फेल्ट रिलैक्स और तब बिपिन बाबू रिलैक्स हुए क्योंकि उन्हें पता चल गया कि ये सब कुछ करा धारा चुन्नी बाबू लाल का है क्योंकि उन्होंने उसकी हेल्प नहीं करी थी हु वात चुन्नी लाल चुन्नी लाल कौन था वॉट इज इज रोल इन द स्टोरी स्टोरी में उसका रोल क्या है चुन्नी लाल हैड वंस बीन बिपिन बाबूज स्कूल मेट चुन्नी लाल कभी बिपिन बाबू का स्कूल मेट था ही वॉज फेसिंग हार्ड टाइम्स उसका थोड़ा मुश्किल समय चल रहा था एंड लुकिंग फॉर ए जॉब वो जॉब ढूंढ रहा था ही कोल्ड ऑन बिपिन विद होप टू गेट हेल्प वो बिपिन से मिलने गया इस उम्मीद से कि वो उसकी हेल्प करेंगे बट विपिन इवन रिफ्यूज टू सी हिम लेकिन विपिन ने उसे मिलने से भी मना कर दिया लेटर चुन्नी लाल कन्फर्म बिपिन बाबूज विजिट टू रांची बाद में चुन्नी लाल ने विपिन बाबू की रांची की विजिट को कन्फर्म किया ही रिकॉर्ड सेवरल इंस्टेंसिस इंस्टांसिस कहते हैं एग्जाम्पल्स इन हीज सपोर्ट और अपनी बात के सपोर्ट में उसने बहुत सारे उदाहरण उन्हें याद दिलाए बट बिपिन वॉज नॉट कन्विंस लेकिन बिपिन को विश्वास ही नहीं हुआ ए लेटर फ्रॉम चुन्नी लाल सच ए न्यूज चुन्नी लाल के लेटर ने ऐसी न्यूज दी दैट बिपिन बिकेम और लाइट के बिपिन बिल्कुल ठीक हो गए द न्यूज वॉज दैट चुन्नी लाल बीन एक्सेप्टेड फॉर पब्लिकेशन न्यूज ये थी कि चुन्नी लाल के नॉवेल को पब्लिकेशन के लिए स्वीकार कर लिया गया है एंड ही वुड गेट ए हैंड समाउंट और इस नॉवल के लिए उन्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा द ऑथर डिस्क्राइब्स बिपिन बाबू एज ए सीरियस एंड हार्ड वर्किंग मैन ऑथर ने बिपिन बाबू का वर्णन किया है कि वो बहुत ही गंभीर और हार्ड वर्किंग मैन थे वॉट एविडेंस एविडेंस का मतलब है प्रमाण कैन यू फाइंड इन द स्टोरी टू सपोर्ट दिस कहानी में से इस बात के सपोर्ट के लिए बताइए कि क्या सपोर्ट है उसमें

फॉर द पास ट्वेंटी फाइव ईयर्स पिछले ट्वेंटी फाइव ईयर से वो एक बड़ी फर्म के लिए काम कर रहे थे एंड हैड ए रेपुटेशन ऑफ बींग टायरलेस कंसेंटि वर्कर और उनकी रेपुटेशन थी कि वो एक बहुत ही अथक यानी कि बिना थके बड़े केयरफुली काम करने वाले व्यक्ति थे बिपिन चौधरी व लूजिंग कॉन्फिडेंस बिपिन चौधरी का जो कॉन्फिडेंस था वो खत्म होता जा रहा था बिकॉज ऑफ द फार्स फार्स का मतलब होता है कोई भी कॉमिक सिचुएशन जिसमें बढ़ा चढ़ा के बातें की जाती हैं हंसाने के लिए क्रिएटेड अराउंड क्योंकि एक बड़ी कॉमिक सिचुएशन उनके इर्द गिर्द बनाई गई थी वट वुड यू डू टू रेस्टोर फेथ एंड कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास को वापस लाने के लिए आप क्या करेंगे मैनिपुलेटेड एवरीथिंग ने सब कुछ मैनिपुलेट कर दिया यानी कि सब हेरा फेरी कर दी सब घटनाओं में ही सेंट ए मैन उन्होंने कैसे आदमी को भेजा हु कंकोटेड स्टोरी विद कन्विक्शन कन्विक्शन विश्वास कंकोटेड मेड जिसने की बड़े विश्वास के साथ एक कहानी बनाई एट फर्स्ट ही वॉज अनमूव्ड पहले तो वो जरा भी विचलित नहीं हुए कौन बिपिन बाबू बट लेटर स्टार्टेड इंटेरोगेटिंग हिमसेल्फ लेकिन बाद में उन्होंने अपने से सवाल पूछने शुरू कर दिए ही ट्राई टू री लिव द प्लेसिस उन्होंने उन जगहों को दोबारा से देखने की कोशिश करी देन ओनली ही रियलाइज द ट्रूथ तभी उन्हें सच्चाई का पता चला

बिपिन का बिपिन एक दुविधा में थे बिकॉज परिमल कंकोटेड क्योंकि परिमल ने रांची की, की विजिट के बारे में एक झूठी कहानी बनाई थी ही वॉज एट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोजिशन इन हिज ऑफिस वो अपने ऑफिस में एक बड़ी इम्पोर्टेंट पोस्ट पर थे जॉब परफेक्टली अपना काम ठीक से कर रहे थे फील किया इम्पोर्टेंट ट्रिप उनके दिमाग से स्लिप कैसे हो गई इज ही गेटिंग इनसेन क्या वो पागल होते जा रहे हैं ही स्टार्टेड लूजिंग फेद ओवर हिमसेन उन्होंने उनका अपने ऊपर विश्वास कम हो रहा था मैंशन एनी थ्री थिंग डेट परिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बाबू वो कम से कम ऐसी तीन बातें बताइए जो परिमल घोष को बिपिन बाबू के बारे में पता थी बिपिन बाबू इंटीमेट सीक्रेट नोन टू परिमल घोष इंटीमेट का बहुत ही निजी सीक्रेट परिमल घोष को पता थे बिपिन बाबू के बारे में नंबर वन He Bipin Babu had no कोई बच्चा नहीं है पागलपन की स्थिति में डेथ हुई थी परेश चंदा परेश चंद परेश चंद परेश चंद कौन थे एंड वॉट ही सजेस्टेड फॉर बिपिन और बिपिन के लिए उन्होंने क्या सजेशन दिया परेश चंदा वॉज एंग फिजिशियन विद ए पेयर ऑफ ब्राइट आईज परेश चंदा एक युवा फिजिशियन थे जिनकी सुन्दर सी ब्राइट आई थी तीखी नाक थी ही सजेस्टेड तो तो रांची वन अगेन उन्होंने बिपिन को सजेशन दिया कि वो एक बार फिर रांची जाए दैट कैन मेक हिम टू रिमाइंड ट्रिप जिससे की उन्हें पूरी ट्रिप याद आ सकती है डॉक्टर चंदा ऑल्सो नो मच अबाउट डॉक्टर चंदा इस बीमारी के बारे में और नींद वाली दवाई दी नर्वटोनिक दिया ताकि वो ठीक से सोच सके टू मेक हिम स्लीप वेल वाई डिड बी पिन बाबू चेंज इज माइंड अबाउट मीटिंग लाल चुन्नी से मिलने के बारे में बिपिन बाबू की राय कैसे बदली वॉट वॉज द रिजल्ट ऑफ दिस मीटिंग मीटिंग इस meeting का क्या परिणाम हुआ बिपिन बाबू चेंज माइंड अबाउट मीटिंग बिकॉज क्योंकि उन्होंने हुआउटा माइट बी पॉसिबल दैट द लेटर रिमेम्बर समथिंग अबाउट द रांची ट्रिप उसने सोचा कि शायद लेटर का मतलब यहाँ पे चुन्नी लाल से है कि शायद चुन्नी लाल को कुछ ऐसा याद आ जाए जो रांची ट्रिप के बारे में हो वन चुन्नी लाल बिपिन बाबू हैड बिन टू रांची जब चुन्नी लाल ने भी ये कन्फर्म कर दिया कि हाँ रांची गए थे आ, तो बिपिन तो बाबू ने तय किया कि वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलेंगे वाई डू यू थिंक चुन्नी लाल डिड वॉट इड चुन्नी लाल ने जो कुछ किया था क्यों किया था चुन्नी लाल से इज हियर दो मनी चुन्नी लाल कहते हैं कि उसके पास पैसे नहीं थे

बाई रिकंडलिंग हॉन्टिंग मेमोरी ऑफ हिस्स नियर हु इसलिए वो उसे पनिश करना चाहते थे और में उसके गिरने की एक दिमाग पे सताने वाली याद बनाकर चुन्नी लाल सिम टू तो बी ए गुड राइटर विद वेरी फर्टाइल इमेजिनेशन चुन्नी लाल एक बहुत अच्छे राइटर है जिनकी इमेजिनेशन कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है दैट इज

उसने परिमल घोष ने उन्हें दिखाया था him, वो इंटीमेट फैक्ट्स अबाउट कि उसके बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं न्यू अबाउट बैग और भाई के पागलपन के बारे में कंसिडरिंग यही सोचकर परिमल घोष न्यू सो मच अबाउट हिम के परिमल घोष तो उनके बारे में इतना ज्यादा जानते हैं बिपिन बाबू नॉट से विद दैट ही वॉज मेकिंग ए मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप बिपिन बाबू विश्वास के साथ नहीं कह सके कि वो रांची ट्रिप के बारे में कोई गलती रहे कर रहे हैं यानी कि परिमल घोष कर रहे हैं चुन्नी लाल वॉज टैलेंटेड चुन्नी लाल टैलेंटेड था यट कैप टर्निंग अप लाई के बैड पैनी फिर भी एक बैड पैनी की तरह से इधर से उधर उड़कता रहा वट डू यू गेट अबाउट द कैरेक्टर ऑफ चुन्नी लाल चुन्नी लाल के कैरेक्टर के बारे में आप क्या जानते हैं वाज वॉज क्रिएटिव पर्सन वो क्रिएटिव व्यक्ति था वॉज इमेजिनेशन, उसके पास बहुत इमेजिनेशन कल्पना थी। रियलिटी उसने एक कॉमिक uh, सिचुएशन को हंसाने वाली सिचुएशन को रियलिटी बना दिया ही सक्सेसफुली बी फुल्ड बिपिन बाबू उसने बिल्कुल सफलतापूर्वक बिपिन बाबू को बुद्धू बना दिया एंड मैनिपुलेटेड और उसके साथ इतना मैनिपुलेशन किया दैट स्टार्टेड डाउटिंग हिमसेल्फ कि उसे अपने पे शक होने लगाजिट ही था एंड बहुत उसमें स्किल थी और परफेक्शन था ये लेकिन उसने अपने परफेक्शन को अपनी स्किल को जो उसकी इमेजिनेशन वाली स्किल थी गलत तरीके से यूज किया हि ट्रिक दन ही उसने उसी के साथ चाल चल दी जिससे वो हेल्प लेने गया था ही शुड हैव अंडरस्टूड हिज टैलेंट उसे अपनी टैलेंट को समझना चाहिए था यानी कि चुन्नीलाल को कि उसमें कितनी काबिलियत है एंड यूज इट कंस्ट्रक्टिवली रादर देन हैरेसिंग एन इंटेलिजेंट मैन एक बुद्धिमान व्यक्ति को सताने की बजाय उसे उसे रचनात्मक तरीके से यूज करना चाहिए था इंटेलिजेंट मैन हु वाज बिजी डूइंग हिज ओन वर्क वो इंटेलिजेंट मैन यानी कि बिपिन बाबू जो अपना काम करने में बिजी थे किसी को सताते नहीं थे चुन्नी लाल वॉज रिवेंजफुल चुन्नी लाल बदला लेने वाले व्यक्ति थे बाबू बाबू और उन्होंने के साथ चाल चली आई होप कि ये लेसन के हर पहलू को आप जान गए हैं एस्पेक्ट को जान गए हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए थैंक यू